नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। मैं हूं कृति मिश्रा और आज इस खास कार्यक्रम में मेरे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी। दीक्षित जी नमस्कार और स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। आपके चैनल का बहुत धन्यवाद। सर, आपने 80वीं जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन उसमें भाग लिया, कई तरह के डेलिब्रेशंस हुए कि किस तरह से समन्वय बनाना है जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में, क्या खास बात रही और आपको क्या लगता है कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन और हो सकता है ताकि जो वेलफेयर है लोगों का उसको और प्रोत्साहन मिल सके? मूल सूत्र है परस्पर संवाद, परस्पर विचार और विमर्श, बार बार बैठना। हमारे देश का और सारी दुनिया का सबसे बड़ा कविता का ग्रंथ है महाभारत। तो महाभारत के अंतिम चरण में जब युद्ध हो रहा था और भीष्म सरसैया पर पड़े हुए थे, तो पांडव उनसे राजधर्म सीखने गए और उनसे पूछा कि परिवार और गण कैसे टूट जाते हैं। गण एक छोटी इकाई समूह थी उन दिनों। तो भीष्म ने उत्तर दिया कि गणों को चाहिए कि जल्दी जल्दी मिलें, जल्दी जल्दी बैठक करें, परिवार के लोगों को भी चाहिए कि जल्दी जल्दी भेंट किया करें। तो गण, संगठन और परिवार एक रहते हैं। इस मामले में भी यही बात है कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इनको अगर हम भावनात्मक रूप में कहें तो ये संविधान की तीन महत्वपूर्ण पुत्रियां हैं, बिटियां हैं तीनों। अब इन तीनों के बीच में भेंट, मुलाकात, हालचाल, प्रसन्नता, राग, द्वेष, हर्ष, विषाद, इस सब पर अगर तीनों में वार्तालाप होती रहे तो देश की प्रतिष्ठा है। इसलिए कि संविधान अपनी संस्थाओं के माध्यम से काम करता है और संविधान निर्माताओं ने बहुत परिश्रम के बाद, बहुत अध्ययन और शोध के बाद इस प्रकार की संस्थाएं विकसित की थीं। इधर कुछ वर्ष में परस्पर संवाद की कमी दिखाई पड़ती है, लगभग 25 वर्ष से। इसके कारण कई बार ऐसा महसूस होता है कि न्यायपालिका अति सक्रियता बरत रही है और कभी कभी ऐसा भी लगता है, पहले भी ऐसा हुआ है साहबानों वाले केस में, कि न्यायपालिका ने एक निर्देश दिया और कार्यपालिका ने फौरन उसका संशोधन कर दिया। ऐसा पहले बहुत होता रहा है। ये एक पहल है। हमारे लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी की और राज्यसभा के सभापति आदरणीय वेंकैया जी की, कि उन्होंने देश के सभी पीठासीन महानुभावों को, विधान परिषद के सभापतियों को और विधानसभा के अध्यक्षों को आहूत किया और ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का पूरा अब की बार का कार्यक्रम इसी एक बिंदु तक गया। तो जब बात चली है, विचार विमर्श हो रहा है, तो उस विचार विमर्श से नतीजे अच्छे आएंगे, ऐसा विश्वास है। सर, बात अकाउंटेबिलिटी की भी हुई है कि किस तरह से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं या जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाए। बिल्कुल ठीक बात है। संविधान सभा में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। उनसे तमाम सवाल जवाब हुए कि आपने ये यहाँ जोड़ दिया, आपने फला देश से ये कर दिया, मौलिक अधिकार किसी दूसरे देश से लिया, ऐसा उन पर आरोप लगा संविधान सभा के भीतर। आरोप क्या, लोगों ने कहा कि आपने ऐसा ऐसा किया। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, स्टेबिलिटी का सवाल भी आया कि आपका जो संविधान है उसमें जैसे ही एक या दो सांसद या विधायक कम पड़ जाएंगे तो सरकार गिर जाती, तो इसमें स्टेबिलिटी के लिए कोई प्राविधान आपने नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमने जानबूझकर रिस्पांसिबिलिटी को ज़्यादा जगह दी है बजाय स्टेबिलिटी के। तो जवाबदेही तो सुनिश्चित कराना चाहते ही थे हमारे संविधान बनाने वाले आदरणीय महानुभाव। जहाँ तक ये बात कही जाती है कि जनप्रतिनिधियों की कोई जवाबदेही नहीं है, तो हम लोग प्रति 5 वर्ष बाद जनता के बीच जाते हैं और अपने किए गए काम का ब्यौरा देते हैं। जनता हमारा निर्णय करती है, ये हमारा अंतिम भाग होता है जवाबदेही का। इसके अलावा विधायक और सांसद अपने क्षेत्र की जनता के बीच
प्रतिदिन मिलते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, दौरा करते हैं, घर घर जाते हैं, सभाएं करते हैं, तो वहाँ पूरी की पूरी विधायिका जवाबदेह होती है अपने निर्वाचक मंडल के प्रति। हम भी विधायक हैं, उन्नाव जिले में भगवंत नगर क्षेत्र है, वहाँ से तो हमसे भी जनता सवाल पूछती है कि आपने ये किया, ये किया, ये क्यों नहीं किया, सड़क क्यों गड़बड़ाया, बिजली क्यों गड़बड़ाया, आदि आदि। तो जो विधायी संस्थाएं हैं उनकी रिस्पांसिबिलिटी तो निर्वाचक मंडल के प्रति है, इसी प्रकार एग्जीक्यूटिव की, कार्यपालिका की जवाबदेही हाउस के प्रति है। सरकारें केंद्र स्तर पर जवाबदेह हैं माननीय संसद के समक्ष, और सरकारें यहाँ राज्य स्तर पर जवाबदेह हैं विधानमंडल के प्रति। तो यहाँ तो जवाबदेही है, लेकिन जो हमारी न्यायपालिका है, आदरणीय न्यायपालिका, जिस पर बड़ा दारोमदार निर्भर है पूरे देश का, और देश की आदरणीय जनता न्यायपालिका पर बहुत विश्वास करती, बहुत श्रद्धा करती है कि ये लोग न्यायमूर्ति हैं, इन लोगों ने अभी तक अपने भीतर से जवाबदेही का कोई तंत्र विकसित नहीं किया, वह किसी के सामने जवाबदेह नहीं दिखाई पड़ते। हम संविधान के विद्यार्थी हैं तो हमारे मन में आता है कि चूंकि न्यायपालिका भारत की ये बड़ी श्रद्धेय है, बड़ी आदरणीय है, हम सब टकटकी लगाकर उसकी ओर देखा करते हैं, हम एग्जीक्यूटिव वाले लोग भी उसी के दरबार में जाते हैं कि ये गड़बड़ हो गया संविधान के प्राविधान का, तो उसको चाहिए कि वो अपने भीतर न्यायमूर्तियों के ही माध्यम से कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसा ब्यूरो, कोई ऐसा तंत्र विकसित करे कि उसकी जवाबदेही उसी के घर में हो जाए। अभी तक जवाबदेही एग्जीक्यूटिव की, विधायिका की जवाबदेही तो खुल्लम खुल्ला दिखाई पड़ती, न्यायपालिका की जवाबदेही का कोई तंत्र अभी तक विकसित नहीं हुआ है। मुझे विश्वास है कि ये तंत्र विकसित होना चाहिए। आपने ये बेहद ही महत्वपूर्ण सजेशन दिया कि एक तंत्र विकसित होना चाहिए, किस तरह का ये तंत्र होगा, क्या हो सकता है उसका स्वरूप? हमारे देश का माननीय सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माननीय अन्य न्यायमूर्ति यहाँ के हाई कोर्ट के, वह सब बहुत विद्वान, संविधान और विधि के बहुत ज्ञाता और आउटस्टैंडिंग प्रतिभा के लोग हैं। तो मैं विधायिका का सदस्य हूँ, तो मैंने विधायिका के सदस्य के रूप में उनको काम बताने की हमारी हिम्मत नहीं, साहस नहीं है, मैं उनका आदर करता हूँ, लेकिन इतनी अपेक्षा करता हूँ कि वह स्वयं अपने भीतर से ही, और चूंकि बड़े विद्वान हैं सब, बड़े कर्मठ हैं, बड़े योग्य हैं, तो वह अपने भीतर से जवाबदेही का कोई तंत्र विकसित करेंगे। बिल्कुल उम्मीद है कि ऐसा एक तंत्र विकसित होगा, लेकिन अगर हम सदस्यों की बात करें और उसके अलावा विधानसभा की बात करें, सर कई ऐसे इनोवेशन हैं जो लगातार आ रहे थे, हम ई विधान की बात करें, लेकिन अब कोविड की वजह से ये इनोवेशन और ज़्यादा ज़रूरी हो गए, तो विधानसभा के अगर हम कार्य उसकी बात करें तो और क्या टेक्नोलॉजी के टूल्स लगाए जा सकते हैं? पिछले 7-8 महीने से पूरे देश में चर्चा हो रही है और दुनिया में भी हो रही है, जैसे कनाडा ने कुछ किया है, यूनाइटेड किंगडम ने कुछ किया है, कहीं कहीं तो इसी दौरान आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए विधेयक भी पारित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी विधानसभा भारत की सभी विधानसभाओं से बड़ी है, सदस्य संख्या में भी सबसे बड़ी है, 403 सदस्य हमारे यहाँ हैं। संवैधानिक बाध्यता कारण हमको सदन बुलाना पड़ा, 6 महीने का प्राविधान है, तो जब मुझे सदन बुलाने की आवश्यकता हुई और उस समय पीक पर था बीमारी, हमारे लखनऊ में, हमारे सचिवालय में भी रोज़ तमाम केसेस निकल रहे थे, हमने प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की और ये हुआ कि कैसे हाउस बुलाना, तो हमने एक एक कुर्सी छुड़वा कर सबको बैठाया, तो हमारे सदन में जगह कम पड़ गई, 304 की संख्या है कुल, 403 की कुल संख्या है, अब उस संख्या में एक एक कुर्सी छोड़ दी गई तो जगह बिल्कुल, तो हमने फिर लॉबी का प्रयोग किया। कदाचित आपने उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सभा मंडप देखा होगा, लॉबी में बैठाया और फिर ऊपर जो लॉबी थी सेकंड फ्लोर पर जहाँ से हाउस दिखाई पड़ता है वहाँ बैठाया, तो एक नया प्रयोग था और हमारे सामने देश की किसी विधानसभा का उदाहरण नहीं था। सबसे पहले हमारे नंबर आ गया कि आप अपने मन से करिए, हमने पत्रकारों को बुलाया, पत्रकारों के साथ 3 सिटिंग्स हुई,
हमने कहा आप लोग अंदर बैठते रहें, अब की बार कहाँ बैठेंगे? तो उनको मालूम था कि अब की बार जगह नहीं है, तो लेकिन उन्होंने ही कहा कि अब की बार हम लोग नहीं बैठेंगे, आप कहीं समाचार लगातार देते रहने का कोई एक बूथ बनाइए। तो हमने वहाँ पर बड़ा भारी स्क्रीन लगवा दिया, तो लाइव प्रसारण हो रहा था। ऐसे ही हमने प्रतिपक्ष के साथ लंबी बैठक की, और जो नया काम किया हमने आदरणीय विधायकों को सुझाव दिया कि अपना टेस्ट कराकर इसके भीतर सदन के भीतर घुसें। कई पत्रकारों ने पूछा कि ये आदेश है कि सजेशन है, तो हमने कहा नहीं सजेशन है, इसलिए कि वह सब जिम्मेदार हैं और उन्होंने अपना अपना कोरोना टेस्ट कराया। तो उस टेस्ट में तमाम विधायक निकल आए। हमारे विधानसभा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे दाएं बैठे हैं यहाँ पर, और जज भी हैं, इसलिए बात करते समय जज का बड़ा सम्मान रहता है। तो इन्होंने फिर एक निर्देश निकाला कि हमारी विधानसभा में जितने कर्मचारी, पहले तो ये फैसला हुआ कि जो सदन के भीतर आते जाते हैं और प्रत्यक्ष सदन के काम में जुड़े रहते हैं, केवल उनका कराया जाए। फिर हम दोनों में ये निश्चय हुआ कि नहीं, उनका ही न कराया जाए, पूरी विधानसभा का करा दिया जाए। तो पूरी विधानसभा के हमारे कर्मचारियों अधिकारियों का हुआ, उसमें बहुत बड़ी संख्या निकली, 25-30 कोरोना पॉजिटिव निकले। लेकिन एक वातावरण बना, हमने पूर्व सदस्यों को हाउस के दौरान रोक दिया अंदर प्रवेश करने से। हमने जो बीमार सदस्य हैं या महिलाएं हैं, वरिष्ठ हैं, उनको छूट दी कि वह अपने घर से शामिल हों, वर्चुअल उपस्थिति दिखाई पड़े हाउस के भीतर। तो एक हमने प्रयोग किया, हमारे पास जो जितने प्रयोग हमने किए, हमारे पास कोई उदाहरण नहीं था कि हम कहाँ से लाते। तो बार बार बैठक, बार बार संवाद, इसी में से कुछ निकलेगा। और मुझे लगता है कि जो आधुनिक तकनीकी है, इस तकनीकी का सहयोग लेते हुए हमारी विधानसभा, माननीय सांसद, उसकी समितियाँ, ये सब बहुत अच्छी क्वालिटी का रिजल्ट देंगी। सर, ये आपने बड़ी ही दिलचस्प बात बताई, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आपने शुरुआत की कोरोना काल में सदन की, तो क्या आप सुझाव देना चाहेंगे जो बाकी विधानसभाएं देश के, कि किस तरह से कोरोना काल जो है उसमें वो अपना सत्र चलाएं? हमारा सत्र सफलतापूर्वक संचालित हुआ, और चूँकि पहली विधानसभा थी देश की, तो प्रतिष्ठित मीडिया ने उसको कवरेज बहुत दिया। तो कई राज्यों के विधानसभा के प्रमुख सचिवों ने हमारे प्रमुख सचिव से सीधे संवाद किया, भाई आपने क्या क्या किया, आपने और क्या करने जा रहे हैं आप। तो अनेक, मैं ऐसा नहीं करता कि कहता कि अन्य राज्यों ने हमारी कोई कॉपी की, हम भी दूसरे राज्यों से कोई बात होती तो लेते हैं, लेन देन जनतंत्र है, इसमें चलता है। लेकिन लगातार इनसे संपर्क दुबे जी से अन्य राज्यों के प्रमुख सचिवों ने किया, और अनेक बातें उन्होंने स्वीकार की होंगी अपने लिए भी। सर, आगे बढ़ते हैं, समितियों की आपने बात कही, और किस तरह से समितियों का जो काम है वो और इफेक्टिव बनाया जाए। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं, तो लगातार सभापति सजेशन देते हैं कि अटेंडेंस पूरा होना चाहिए। अगर हम विधानसभा की समितियों की बात करें, तो उनको और कैसे इफेक्टिव बनाया जाए? राज्यसभा की समितियों को प्रभावी बनाने की दृष्टि से आदरणीय वेंकैया जी काफ़ी प्रयासरत हैं, और उनके प्रयास रंग भी लाए हैं, कमेटियों में कामकाज बढ़ा है, ऐसा मैंने सुना पढ़ा है। हमारी विधानसभाओं में भी समितियां हैं, और समितियां खूब काम करती हैं। हमने समिति की उपादेयता देखते हुए ही एक नई समिति बनाई, और उस समिति में किसी माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया कोई हाउस का काम अगर नहीं हुआ पूरा, वो आधा पड़ा है, तो उस कमेटी को हम संदर्भित कर देते हैं, और वो कमेटी अधिकारियों को बुलाकर उस काम को पूरा कराने का काम करती है। इसी प्रकार जो काल अटेंशन होता है लोकसभा में, तो काल अटेंशन की परंपरा हमारे यहाँ थी कि एक दिन में 15 लिए जाते थे। तो मैंने विचार किया कि सदस्य को कोई कठिनाई न हो, तनाव में ना आए कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो हमने काल अटेंशन की संख्या बढ़ाकर 20 कर दी। तो ऐसा सदन के दोनों पक्षों, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष, उनके साथ लगातार विचार विमर्श करते हुए कमेटियों की क्वालिटी पर भी असर आया है। हमारे यहाँ कई कमेटियाँ ऐसी हैं जिनमें अभी काम हो रहा है, 90-95 वाला अधूरा पड़ा है। हमने सभी सभापतियों के साथ बैठक की और उनसे कहा कि इस काम को पूरा करना चाहिए,
हम लोग पदधारक हैं, ये काम पड़ा ना रह जाए, और था बड़ा पीछे का बैकलॉग। तो हमारे समिति के सभापति महानुभाव सक्रिय हुए और वहाँ अच्छा काम चल रहा है। अभी और अच्छा काम करना है, हम उसे संतुष्ट नहीं हैं, लगातार बैठेंगे तो और नई बात निकलेगी। सारांश ये कि विमर्श और संवाद, यही लोकतंत्र की मुख्य ऊर्जा है, और विमर्श में और संवाद में किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को, विधायिका के किसी सदस्य को कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सर, आपने एक और बहुत दिलचस्प बात कही कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा विधानसभा है, सबसे ज़्यादा सदस्य हैं, ऐसे में अध्यक्ष होना, पीठासीन अधिकारी होना, क्या चैलेंजेस हैं उसके और किस तरह का आपका अनुभव रहा है? उत्तर प्रदेश के समूचे राजनीतिक वातावरण में जो ऑफिस बियरर्स हैं किसी भी दल के, वह सब अधिकांश हमसे परिचित हैं, हमारे साथ बैठते हैं। तो एक संवाद तो हमने कहा कि होना चाहिए तो सोच समझ कर, युक्तिपूर्वक, और एक संवाद हो जाता है अचानक, एक्सीडेंटल तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं मिल गए तो प्रेम बढ़ गया। तो संपूर्ण विपक्ष का हमसे लगाव है और हमारा उनके प्रति लगाव है, तो इसलिए काम करने में कहीं कोई कठिनाई नहीं आती। और हमारा अनुभव ये है कि अनुभव के साथ साथ गौरव भी है कि हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा के उस आसन पर बैठे हैं जहाँ कभी टंडन जी बैठते थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जी बैठते थे और तमाम विद्वान बैठते थे। तो ये तो उस कुर्सी का कमाल है कि उस पर जो बैठता है विक्रमादित्य के सिंहासन की तरह, तो उससे वो कुर्सी काम लेने लगती है। और मुझे ऐसा अनुभव आया कि सभी सदस्य विधानसभा के एक एक हमसे लगातार मिलते हैं, इन दिनों हाउस नहीं चल रहा है तो हमारे घर आ जाते हैं और बातचीत हुआ करती है। विधानसभा को या लोकसभा को पक्ष और प्रतिपक्ष, ये तो तकनीकी बात है, ऐसा ना मान करके एक परिवार जानना चाहिए, और उस परिवार का मुखिया अध्यक्ष या सभापति होता है। ऐसा वातावरण हमारे यहाँ है, और जगह भी होगा मुझे आशा है। सर, लेकिन अगर हम प्रोसीडिंग्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश की भी अगर बात की जाए तो कई बार ऐसे देखा कि हमने कितना व्यवधान हुआ है, ये व्यवधान कम करने के लिए क्या युक्ति हो सकती है? माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी का मुझे कन्वीनर बनाया है व्यवधान के रोकने की दृष्टि से। मैंने देश के सभी विधानसभा अध्यक्षों को, विधान परिषद के सभापतियों को पत्र लिखा है सुझाव देने के लिए। कोरोना के कारण उसकी बैठक हम नहीं कर पाए, एक मीटिंग वेबिनार के माध्यम से हुई। तो हम कुछ तो बातें पुरानी हैं जो सब लोग जानते हैं कि जो चिल्लाता है, शोर करता है, वो कहता है हमको पर्याप्त समय नहीं मिलता है, ये बात पुरानी है। कोई कहता है कि मंत्रीगण हमारा जवाब ठीक से नहीं देते इसलिए हम चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं, ये तो बातें पुरानी हो गई। लेकिन और भी कई गहरी बातें संभव हैं कि सदन की बैठकों का समय बढ़ना चाहिए। मैं भी 5 बार विधायक रहा हूँ विधानसभा का और विधान परिषद में 1 बार, तो मैं भी जब नया नया विधायक था और बोलने के लिए खड़ा होता समय हमको नहीं मिलता था, फिर धीरे धीरे समय मिलने लगा, और जब भरपूर समय मिलने लगा तो वो विधानसभा है उसके 5 साल पूरे हो गए तो सबकी इच्छा ये होती कि हम बोलें, और बोलना उनका अधिकार भी है। विपक्ष कहीं भी, कहीं कहीं हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष है, कहीं कहीं कांग्रेस विपक्ष है, तो विपक्ष किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहे हैं। विपक्ष को चाहिए कि वो जहाँ से हमने ये संसदीय परिपाटी प्रेरित होकर ली है ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से, तो विपक्ष की ये जिम्मेदारी है कि वो देखे कि वहाँ जो ब्रिटेन की संसदीय परिपाटी, वहाँ कहा गया है कि विपक्ष के 3 काम हैं, टू प्रपोज द गवर्नमेंट, टू अपोज द गवर्नमेंट एंड टू डिपोज द गवर्नमेंट। पहले सलाह देंगे इस तरह करिए, नहीं आप मानेंगे तो हम विरोध करेंगे, फिर नहीं मानेंगे तो आपको हटा देंगे, आम जनता में जाएंगे, जनता में बताएंगे कि ये लोग सुनते नहीं हैं। अब विपक्ष अगर सुझाव देना शुरू करे तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन पीछे कुछ वर्ष से हम किसी भी पार्टी को विपक्ष मानकर चर्चा नहीं कर रहे, ये सुझाव देने की बात नहीं दिखाई पड़ती, सीधे विरोध की बात दिखाई पड़ती है।
और कभी कभी कुछ दल विपक्ष में होकर ऐसा विरोध करते हैं कि पहले उसी बात के समर्थक रहे हैं और अब विपक्ष में हो गए तो अब उसी बात का विरोध करते हैं जिसका इनिशिएटिव वह स्वयं ले रहे थे। मैं घटनाओं के नाम नहीं लूंगा, पार्टी का नाम नहीं लूंगा, इसलिए कि विधानसभा अध्यक्ष हूं। आखिरी सवाल सर, लोकतंत्र को और सशक्त करने के लिए आगे का रास्ता? हमारा राष्ट्र जीवन, भारत का राष्ट्र जीवन प्रकृति से और संस्कृति से डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्री है। ऋग्वेद और उसके रचनाकाल के पहले से यहाँ पर विचार अभिव्यक्ति का और असहमति का आदर रहा है। हमारे पूरे वैदिक साहित्य में प्रश्न प्रतिप्रश्न, तर्क प्रतितर्क, कहीं कहीं कुतर्क, इस सबकी बड़ी भारी गुंजाइश रही है। तो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम तो बाई वर्चू ऑफ बर्थ स्वभाव से ही, प्रकृति से ही, हमारे रक्त में लोकतंत्र है, हमारे भारत के लोगों के मध्य में। अब ये पद्धति जो लोकतंत्र की है, ये दूसरी है। जो लोकतांत्रिक संस्थाएं पहले वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में थीं, वो उस काल खंड के लिए उपादेय थी, उनके शासक तत्व तो आज भी उपयोगी हैं, सारी बातें नहीं। तो संसदीय गतिविधि को बढ़ावा देने और लोकतंत्र को मजबूत करने, इस दृष्टि से सभी राजनैतिक दलों को अपनी अपनी विचारधारा लेकर सामने आना चाहिए और जहाँ जहाँ राष्ट्रीय एकता के प्रश्न हो वहाँ वहाँ एक हो जाना चाहिए। पीछे कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे CAA हुआ, अब उसको पारित कर दिया गया, उस विधेयक को माननीय राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए, कानून भी बन गया, और कुछ राज्य अपने यहाँ स्वांग रच रहे थे कि नहीं इसका हम विरोध करते हैं। तो ये तो जहाँ तक राष्ट्रीय एकता, प्रमुख सावरेंटी, संप्रभुता और अखंडता के प्रश्न है, वहाँ पर सारा दलतंत्र भारत का, कोई छोटी पार्टी हो डेढ़ जिले की, चाहे पूरे देश की पार्टी हो, सबको राष्ट्र सर्वोपरिता के सिद्धांत के लिए एक होना चाहिए। और जो इकोनॉमिक्स के सवाल हैं, क्योंकि बहुत पहले इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते थे, तो जो इकोनॉमिक्स के, अर्थव्यवस्था के आधारभूत सवाल हैं और प्रशासन को गुणवान बनाने के सवाल हैं, नई योजनाओं को क्रियान्वित करने के, योजना बनाने के प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्नों पर खूब लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन जहाँ बात आती है भारत की अखंडता की, भारत माता की, तो वहाँ पर सभी दलों को एक स्वर से बोलना चाहिए। मुझे लगता है ऐसा आगे भविष्य में होने वाला है। जी बिल्कुल, बेहद ही महत्वपूर्ण बात कि जहाँ पर भारत की अखंडता और संप्रभुता की बात है, वहाँ पर किसी भी दल में कोई भी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए। दीक्षित जी, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।